स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी की जो ड्रेस बना रहे हैं उसके लिए ये देखिए मैंने रेड कलर और ये येलो कलर है, और जो मैंने चोली बना रखी है उसमें ये वाइट कलर भी लगा है। जो ड्रेस के अंदर हम वाइट कलर भी लगाएंगे, तो तीन कलर की हम आज ये ड्रेस बनाने जा रहे हैं। और देखिए, हम ये जो कान्हा जी की चोली होती है वो मैंने बना रखी है, दो नंबर कान्हा जी के लिए ये चोली बनी है और उसी के लिए हम ये ड्रेस बना रहे हैं। तो उसके लिए ये देखिए मैंने यहाँ पे ये जॉइंट किया था, ठाकुर जी की जो चोली है यहाँ पे जॉइंट करने के बाद स्लिप जो चैन होती है उससे मैंने यहाँ पे साइड में मैंने ये धागा जो है लेके आई हूँ, और उसके बाद मैंने ये तीन चैन लगा लिया। अब तीन चैन लगाने के बाद हमें ये आगे वाली चैन में हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उससे आगे वाली चैन में भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है, और इसी तरह हमें ये जो है पूरा राउंड ये इस तरह से हर चेन में एक ही बार हमें जो डबल क्रोशिया है बनाना है वो बनाएंगे और ये राउंड जो है कंप्लीट करेंगे। हमने ये एक राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसे यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। ये जो हमने पहले तीन चेन बनाई थी उसी के अंदर जो लास्ट चेन है उसके अंदर हम इसे जॉइंट कर देंगे और अगला राउंड जो है वो शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये तीन चेन बनाई है और आगे वाली चेन में हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, और इससे आगे वाली चेन में भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर उससे आगे में भी हमें ये डबल क्रोशिया बनाना है सिंगल। तो ये हमारे चार हो गए, ये दो, ये एक तो ये हो गया जो हमने तीन चेन डाली थी और तीन हमने और बनाए हैं, तो ये टोटल चार हो गए। अब हमें चौथी जो ये चार बनाए हैं उसी चौथे ही डबल क्रोशिया के अंदर फिर से हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। जो पीछे ये तीन डबल क्रोशिया आ गए सिंगल, और चौथे जो डबल क्रोशिया उसमें ये दो बार हमने बना लिया, तो यहाँ पे हमें तीन बार डबल क्रोशिया बनाना है सिंगल, और चौथी जो डबल क्रोशिया बनाएंगे वो हमें दो बार एक ही चैन में बनाना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये तीन सिंगल क्रोशिया बना लिया है, और फिर ये जो चौथी चैन बना रही डबल क्रोशिया बना रही उसी के अंदर ही फिर से हमें ये दो बार डबल क्रोशिया करना है, तो ये हो गया। और इसी तरह हमें ये राउंड जो है पूरा कंप्लीट करना है, तो कर लिया ये दूसरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया, और इसे भी हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे और तीन चैन बनाएंगे, और फिर हमें आगे वाले चैन में यहाँ पे क्रोशिया डालना है। ये सिंगल क्रोशिया बनाया है, और आगे वाली चैन में भी हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर से हमें ये आगे वाली चैन में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें ये चार सिंगल क्रोशिया बना लिया, ये चैन जो है वे साथ में गिनेंगे, और एक बार हमने ये पांचवा और बना लिया है, तो ये टोटल पांच हो गए। इसी के अंदर हमें फिर से एक और बनाना है, तो ये देखिए पहले हमने यहाँ पे ये देखिए डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक दो और तीन, ये तीन डबल क्रोशिया जो है सिंगल बनाए हैं, उसके बाद में हमने ये जो डबल क्रोशिया है दो बार बनाए हैं एक ही चैन में। तो अब हमें यहाँ पे चार सिंगल क्रोशिया बनाना है चार चैन के अंदर, और पांचवी चैन के अंदर हमें ये दो बार डबल क्रोशिया बनाना है, और इसी तरह से हमें ये जो कंप्लीट करना है राउंड पूरा, तो वो हमने ये राउंड जो है ये भी कंप्लीट कर लिया है, और इसे भी हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। इसे जॉइंट करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर चार राउंड लगाए हैं, एक दो तीन और ये चार, और पांचवा राउंड हमें अभी ये शुरू करना है। तो उसके अंदर हमें ये जो डबल क्रोशिया है ये 63 चाहिए, मतलब 63 डबल क्रोशिया चाहिए हमें, और डबल ये जो हमारे अभी हैं ये जो क्रोशिया हमने बना रखे हैं ये 58 है। तो अब हमें ये पूरे राउंड में सिर्फ पांच डबल क्रोशिया ही बढ़ाने हैं ताकि हमारे ये जो है 63 डबल क्रोशिया बन सके। तो उसके लिए हम कहीं भी ये जो है बढ़ा लेंगे डबल क्रोशिया, तो ये राउंड कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो पांचवा राउंड है ये भी कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट करने के बाद मैंने ये जो है इनकी काउंटिंग कर ली। काउंटिंग करने के बाद फिर हमें यहाँ पे जो है 63 डबल क्रोशिया चाहिए, ये डबल क्रोशिया हमारे 63 पूरे हैं। तो अब उसके बाद हमें ये जो धागा है ये हम कट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे दूसरा जो धागा है वो लगाना है, तो वो लगाते हैं। वो करते हैं फ्रेंड्स, ये राउंड पूरा होने के बाद फिर हमें ये जो है रेड कलर का धागा लगा रहे हैं, एक दो और ये तीन, तीन चैन बनाने के बाद फिर हमें ये वाइट कलर का जो धागा है ये खींच लेंगे ताकि ये यहाँ से टाइट हो सके, और फिर हम ये आगे वाली चैन में लेंगे क्रोशिया और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमें यहाँ पे दो चैन लगाएंगे, यहाँ पे दो चैन आने के बाद फिर ये आगे वाली जो चैन है यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर हमें दो चैन बनानी है, फिर से डबल क्रोशिया यहाँ अगली वाली चैन में बनाएंगे और फिर से हमें ये दो चैन बनानी है, फिर आगे वाली चैन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है, फिर दो चैन, फिर आगे वाली चैन में हमें डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें ये जो पूरा राउंड है ये कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से बनता जाएगा, ये हमें इस तरह से बना के पूरा कंप्लीट करना है। ये राउंड जो है कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ये देखिए इसे हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे और फिर हम तीन चैन बनाएंगे। तीन चैन बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे। और यहाँ पे हमें जो तीन चैन डाली थी हमने, ये तीसरी चैन में हमें ये क्रोशिया लेना है और इस तरह हमें जॉइंट करना है। यहाँ पे जॉइंट करने के बाद फिर हम तीन चैन लेंगे। तीन चैन बनाने के बाद फिर हम ये इसके अंदर डालेंगे क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसी के अंदर से फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और दो चैन बनाएंगे। दो चैन बनाने के बाद फिर हम ये जो अगला होल है इसके अंदर डालेंगे क्रोशिया और फिर हम दो डबल क्रोशिया बना लेंगे इसी के अंदर। ये देखिए यहाँ पे फिर से हम डालेंगे क्रोशिया और ये धागा खींच के इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम दो चैन बनाएंगे, फिर ये आगे वाला जो होल है इसके अंदर भी हमें इसी तरह से ही डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और दो ही चैन बनाएंगे। इसी तरह हमें ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। तो ये जो है हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है और ये जो तीन चैने हैं वहाँ पे हम इसे इस तरह जॉइंट कर देंगे और धागा जो है कट कर देंगे। और अब हम यहाँ पे दूसरा धागा लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हम वाइट वाला जो धागा है वो लगा रहे हैं फिर से और यहाँ पे हमने तीन चैन बना ली और ये जो है यहाँ पे हमारा होल इसके अंदर हमें सात बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, ये तीन, ये चार, पाँच, छः और ये सातवां। ये सात डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमने यहाँ पे ये जो दो डबल क्रोशिया बना रखे हैं ये दो डबल क्रोशिया दो बनाए हैं ना ये वाले, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे दोनों के बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हम सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम ये होल है जो यहाँ इसके अंदर भी हमें डबल क्रोशिया सात बार बनाना है। ये दो, ये तीन, चार, ये पाँच, ये छः और ये सात। ये सात डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हमें यहाँ पे दोनों क्रोशियों के बीच में हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हमें ये जो राउंड है हमारा कंप्लीट करना है, यहाँ तक लेके आएंगे। ये हमारा जो ये हमने ये बनाए हैं क्रोशिया, तो ये राउंड हमारा जो है पूरा हो चुका है और ये हम यहाँ पे इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे और धागा जो है कट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे दूसरा कलर लगाना है तो वो हम लगा लेते हैं। फ्रेंड्स हम यहाँ से ये जो धागा है ग्रीन वाला ये शुरू करेंगे, तो उसके लिए ये देखिए मैंने इस तरह से चैन बनाई है एक और ये जो धागा है वो ये मैम वो ऐसे साथ लेके चलेंगे और ये अगली चैन में हमें इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर एक चैन देनी है, फिर हमें अगली चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर एक चैन लगानी है, उसके बाद फिर अगली चैन में
तो हमें ये इस तरह ही पूरा जो है किनारी बना के और ये जो हमने ठाकुर जी की जो ड्रेस बनाई है वो कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। और यहाँ पे जो हमने ये 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये 8वीं बार हमने ऐसे ही बनाया था नीचे से, तो उसके लिए ये देखिए यहाँ इस तरह से हम डाल के नीचे से क्रोशिया और इस तरह निकाल लेंगे। और फिर हमें ये 7 जो क्रोशिया बनाए हैं डबल, उनको इसी तरह से ही सिंगल क्रोशिया से हम बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन नहीं बनानी, फिर ये आगे वाली जो चैन है उसके अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चैन में सिंगल क्रोशिया। तो ये इसी तरह से हमें ये 7 बनानी है। तो हम ये 7 बना लेते हैं, फिर आगे जो है वो काम करते हैं। फ्रेंड्स ये हमने 7 पत्ती बना ली है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है इसे हम उल्टा करेंगे, 1 और ये 2 इसे उल्टा कर लेंगे। और फिर यहाँ पे हम चैन के अंदर ये जो क्रोशिया है ये यहाँ पे क्रोशिया डालेंगे और ये जो हम बना रहे हैं चैन वाला उसे इस तरह खींच लेंगे और एक चैन बनाएंगे। फिर हम ये आगे वाली जो चैन है उसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे आगे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर हम इसी तरह से ही ये सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे ये देखिए इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और हमें यहाँ तक बनाना है, एक ये पूरा और एक ये पूरा, ये आधा टोटल हमें ये 2.5 जो पत्ती है वो बनानी है। तो हम वो बना लेते हैं। हमने ये 1 2 और ये 1/2 वाली जो पत्ती है वो बना ली। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है फूल हमारा, ये देखिए यहाँ पे हमने जॉइंट किया अभी और ये फूल बने, तो हमें ये जो पत्ती है इसके साथ में यहाँ पे हमें ये क्रोशिया डालना है और ये इधर से इस तरह हमें ये निकाल लेना है, ये इस साइड आएगा। पहले ये बाहर की तरफ था जब हमने ये 7 बनाई है पत्ती, अब हमने ये 2.5 पत्ती बनाई है तो ये अंदर की साइड आएगा जहाँ पे हमारी ये ठाकाना जी की चोली बना के ड्रेस शुरू कर गई है। तो ये देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे और एक चैन बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे अगली जो चैन है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उससे आगे वाली में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह नीचे से ये पूरा उठा के बनाएंगे, फिर हमें इस चैन में डालना है इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, ये हाफ है, हाफ हमने पहले बना चुके हैं, हाफ ये है, तो इसको छोड़ के हमें ये 4 बनानी है, 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 हम बना के तैयार करते हैं, फिर आगे जोड़ लगाएंगे कहाँ पे वो बताती हूँ मैं आपको। हमने ये बना लिया है यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ये 4 हमने पूरी बना ली है और यहाँ पे ये आधी है वो बनी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ इस साइड अंदर की साइड जोड़ेंगे, तो ये जो आधी हमने बना रखी है, आधी जो इस साइड में है वहाँ पे हमें ये जोड़ के इस तरह से फूल बनाना है। तो ये यहाँ हमें जोड़नी है और यहाँ पे हमें इस तरह निकाल के धागा, फिर वही एक चैन देनी है। उसके बाद हमें ये आगे वाली चैन में जाना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर आगे वाली चैन में जाना है फिर सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चैन में जाना है फिर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से अब हमें फिर से 2 फूल बनानी है और ये जो है 1/2 बनानी है। तो ये हमें टोटल 2.5 पत्ती तैयार करनी है बना के, तो वो भी हम बना लेते हैं। ये हमने बना लिया है 1 2 और ये 1/2। अब हमें ये जो फूल है यहाँ पे जाना है, तो ये जो एक पत्ती है हमारी, ये देखिए ये एक पत्ती को छोड़ के अब हमें यहाँ पे आना है और यहाँ से हमें ये चैन का जो धागा है निकाल लेंगे और फिर हम एक चैन बनाएंगे और फिर आगे वाली चैन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर आगे वाली चैन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर हमें आगे वाली चैन में भी सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हमें ये सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अब फिर से हमें 4.5 जो है पत्ती बनानी है, जैसे आधी तो ये बनी हुई है, आधी ये है, अब आगे हमें 4 बनानी है। तो फ्रेंड्स
वो हम बना लेते हैं, 4.5 पत्ती है वो बना के फिर जॉइंट करते हैं इस साइड से होगी। ये देखिए यहाँ से फिर से हमने यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 4 बना ली है, और ये हाफ पहले से बनी हुई है। अब हम इसे यहाँ अंदर की साइड जोड़ेंगे, तो ये जो हमारी हाफ इधर है अंदर की साइड में, उसमें हम ये क्रोशिया डाल देंगे यहाँ से, ये जो बिल्कुल सीध में आ रहे हैं यहाँ से, और ये चैन का धागा है इसे खींच लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से खींच के फिर हमें एक चैन बनानी है, फिर आगे लेके जाने हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ही हमें बनाना है, क्योंकि पहले देखो जब हमने ये ग्रीन जो धागा लगाया था तो ये 7 पत्ती बनाई, साथ में ये हमने 2 छोड़ दी, 2 छोड़ने के बाद फिर हमने ये 5 जो है इसका फूल बना लिया, फिर हमने 2.5 पत्ती है वो बनाई, 2.5 पत्ती जॉइंट करने के बाद फिर से हमने यहाँ पे 4.5 बनाई, 4.5 बनाने के बाद में फिर से हमने यहाँ 2.5 बनाई थी, 2.5 बनाने के बाद फिर 4.5 बना ली, अब फिर से हमें यहाँ पे 2.5 बनानी है। तो इसी तरह से हमें ये पूरा जो है कंप्लीट करना है। तो आइए हम ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ तक हम लास्ट तक बना चुके हैं, अब हमें यहाँ पर इसे जॉइंट करना है जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे हमने इसे जॉइंट किया है, और ये धागा छोड़ के फिर हम यहाँ पे इससे ये जो हाफ है यहाँ से हम फिर क्रोशिया डालेंगे और फिर इसे इस तरह खींच लेंगे बाहर और इसे एक चैन से आगे बनाएंगे। आगे बनाने के बाद फिर ये देखिए फ्रेंड्स हमें ये जो हमारा एक फ्लावर जो है ये खुला है इसे बंद करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये देखिए यहाँ आगे जाना होगा। तो इसके लिए हमें ये जो चीज़ है यहाँ से हमें आगे जाना है, तो ये इस तरह से हम सिंगल चेन बनाते हुए आगे जाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से हम यहाँ तक आएंगे जहाँ तक अपनी एक जो ये पत्ती है ये कंप्लीट होती है वहाँ तक हम जाएंगे, वहाँ जाने के बाद हम इसे जॉइंट करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना और शेयर करना मेरे वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी नई नई वीडियो और अच्छी अच्छी जो पोशाकें हैं वो मैं आपको बना के बता सकूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक आने के बाद फिर हमें क्या करना है, ये देखिए ये जो फूल है पीछे वाला यहाँ पे ये पत्ती 2 है, ये 2 पत्ती आ गई, अब हमें यहाँ पर भी 2 पत्ती ही रखनी है और इसे यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे हम इसे क्रोशे को ऐसे लगाएंगे और फिर इसे हम इस तरह जॉइंट कर देंगे। ये देखिए तो ये हमारी जो ड्रेस है, बस ये जो धागा है हमें यहाँ से काट के और अलग कर लेना है, और उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, येलो कलर हमने यहाँ पे लगाया है इसकी बाजू पे, अब हमें यहाँ पे आउटलाइन करनी है येलो कलर से, तो वो हम पहले कर लेते हैं, और ये जो धागा है ये भी काट करके और इसे पीछे की साइड कर देते हैं फिनिशिंग के लिए, तो अच्छी फिनिशिंग आएगी ड्रेस में, तो वो कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स तैयार है ये कान्हा जी की ये ड्रेस है, ये फ्लावर वाली जो ड्रेस है। आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको ऐसी डिजाइनर चीज़ें मैं आपको बता सकूं, जैसे कि कुशन कवर है, तकिया कवर है, या थालपोश है, या लड्डू गोपाल जी की जैसे ये ड्रेसें मैं बना रही हूँ, इस तरह से और भी नए अगर डिजाइन होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी बना के, और ताकि आप भी इस तरह से सरल सरल जो डिजाइन है आप आराम से बना सकें, और आपको पसंद ज़रूर आएंगे ये डिज़ाइन, क्योंकि मैं ज़्यादा जो मुश्किल होती है डिज़ाइन वो मैं नहीं बनाती, जो इजी डिज़ाइन है बिल्कुल और सुंदर भी लगते हैं देखने में तो मैं वही डिज़ाइन बनाती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस ड्रेस को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।